तो चलो बच्चों, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है सर्कुलर मोशन पे। हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन पे, आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। इसमें कहता है मैक्सिमम स्पीड निकालना है विथ ए कार ड्राइवर कैन ट्रांसवर्स ऑन ए हॉरिजेंटल अनबैंक्ड रोड। ध्यान देना कि रोड जो है वो हॉरिजेंटल है और कर्व है। जब हम मोड़ पे मुड़ते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं मोड़ पे मुड़ते हैं, तो भाई मोड़ पे तो कर्व होता है ना, स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक मोशन कैसा था, रोड कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। तो स्ट्रेट लाइन था तो गाड़ी कैसे जाती थी, तो गाड़ी बच्चों इस लाइन में सीधी जाती थी ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये वाला जो है वो एक आर्क आ जाएगा, सर्कल का पार्ट आ जाएगा, तो इस यहाँ तो सीधी नहीं जाएगी ना, तो यहाँ सर्कुलर मोशन हो गया। और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है कितना आप बोलो, तो म्यू दिया है 0.3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से रेडियस दिया है वो है 80 मीटर, और म्यू इतना है, और हमें जी की वैल्यू कितनी ले ली है, जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना है। तो मैं कितनी मैक्सिमम स्पीड से मोड़ पे मुड़ सकता हूँ। तो देखो, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, कोई अच्छी मतलब बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जब हम ये वाला स्ट्रेट लाइन वाली मोशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसे सर्कल में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से अगर हमें मोड़ पे मुड़ना होगा, तो ये जो रेडियस है सर्कल का यहाँ पे, तो यहाँ पर जो रेडियस बनेगा, ये जिस रेडियस में आप जिस सर्कल में आप मुड़ रहे हैं उसका रेडियस आर है, ठीक है। तो जब ये कार बाहर की साइड ऐसे जा रही थी, इस लाइन में जा रही थी, तो इसका जो इंटेंशन ऑफ मोशन है, जाने की इच्छा है, द कार इंटेंशन ऑफ मोशन है आउटवर्ड। तो इसके टायरों के बीच जो फ्रिक्शन आएगा, तो वो जो फ्रिक्शन आएगा वो इधर को डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन इधर आएगा, और अगर ये फ्रिक्शन इधर आएगा, तो जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो सर्कल में चलने के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो ग्राउंड से देखोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा। तो यही सिंपल सा इक्वेशन मतलब बनेगा। तो अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट याद है, तो डायरेक्ट आपको मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला लगा दो। मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है भाई, म्यू आर जी अंडर रूट, और सारी वैल्यू रख दो, क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो फार्मूला भूल गए हो तो डिराइव कर लो डायरेक्ट, सेंटीपीटल की वैल्यू एफ के बराबर होगी। अगर कार के फ्रेम से देखोगे तो फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा सेंट्री फ्यूगल, बाहर की डायरेक्शन में बात बराबर होगी। तो चलो, सेंटीपीटल की वैल्यू कितनी होगी, एम बी स्क्वायर ओवर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एन। तो यहाँ पे कार नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा और एम जी नीचे लग रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं फ्रिक्शन म्यू एम जी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से वी की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू म्यू आर जी अंडर रूट। तो ये जो स्पीड है ये एक मैक्सिमम हो सकता है, और मैक्सिमम से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कभी भी गाड़ी मुड़ेगी नहीं यार, ठीक है ना। मैक्सिमम से ज़्यादा होगा बच्चों तो मुड़ेगा नहीं। अगर स्पीड, यहाँ पर देखो तीन केस है, इफ स्पीड वी इज लेस देन वी मैक्सिमम, तो हमारे लिए क्या है, सेफ है, मजे से मुड़ सकते हो, ये हमारे लिए सेफ है। तो ये आराम से सेफ्टी वेलोसिटी सेफ है। और इस समय टायरों के बीच जो फ्रिक्शन का नेचर होगा वो लग रहा होगा स्टेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, आराम से मुड़ रहे हो ना। ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से मैं करता हूँ कि शायद पूरे इंडिया में कोई नहीं करेगा उतना बेहतर तरीके से बेहतर तरीके से सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर स्पीड, जिस स्पीड से मुड़ रहे हो और एक मैक्सिमम स्पीड से इक्वल है, मतलब इससे ज़्यादा मुड़ नहीं सकते, तो मुड़ तो अभी भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी आप सेफ हो, बट मुड़ सकते हो। बट यहाँ पे फ्रिक्शन लिमिटिंग लगने लगेगा, ठीक है ना। तो ये लिमिटिंग लगेगी ना, और ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, इससे ज़्यादा नहीं मुड़ा जा सकता। इसके बाद अगर मुड़ेगा तो क्या होगा, इफ जिस स्पीड से मुड़ रहे हो वह खुद में खुद ग्रेटर देन है मैक्सिमम स्पीड से, देख रहे हो, तो गाड़ी जो है वो स्कीडिंग करने लगेगी, स्कीडिंग बाहर की डायरेक्शन में जाने लगेगी, और टायर इसके स्लाइड करने लगेंगे। तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बच्चों काइनेटिक लगने लगेगा। तो यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो बेसिकली हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ से टायर जो है वो बाहर की साइड जाने लगे, स्कीडिंग करने लगे, और फ्रिक्शन काइनेटिक लगने लगेगा। तो इससे ज़्यादा मुड़, ये है वो रिस्क है, एक्सीडेंट हो जाएगा इस वाले स्पीड से अगर मुड़ेंगे तो। कैसे भाई, ऐसा क्या हो गया कि मुड़ नहीं पाए? तो देखो, जैसे जैसे तुम यहाँ से देखोगे तो
तो सेंटीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है, सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से मिला? टायरों और फ्रिक्शन के बीच मिला, mv² / r। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो वैसे वैसे सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है, मोड़ने के लिए सर्कल में सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ने लगेगी। ग्राउंड से देख रहा हूँ तो सेंटीपिटल अगर बढ़ने लगेगा तो भाई फ्रिक्शन की तो फिक्स्ड वैल्यू है ना, टायरों और रोड के बीच जो फ्रिक्शन है वो फिक्स है। तो अब अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो सेंटीपिटल जो है कहाँ से मिल रहा है, फ्रिक्शन ही तो दे रहा है। तो फ्रिक्शन दे रहा तो फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही देगा। मान लो 100 न्यूटन है फ्रिक्शन, तो 100 न्यूटन मैक्सिमम हो सकता है सेंटीपिटल। अगर आप स्पीड और ज़्यादा बढ़ाओगे तो ज़रूरत जो है मुड़ने के लिए 100 से ज़्यादा हो जाएगी और गाड़ी जो है वो स्कीड कर जाएगी बाहर के डायरेक्शन में। तो ये बेसिकली हम थियरी एक्सप्लेन कर दिए थोड़ा सा। अब क्वेश्चन तो एक लाइन का है, तो ये वाली जो चीज़ है मैक्सिमम स्पीड कितना होगी, तो ये निकाल लिया जाए, सारा डेटा रख दिया जाए। तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर अगर बात करोगे तो दैट इज μrg√, ठीक है ना। तो μrg, म्यू की वैल्यू कितना बोलो, 0.5, और आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 80, और जी की वैल्यू 10 ले लो अंडर रूट। तो ये सब काट कूट लो, डिवाइड कर लो, तो फाइनली मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे, हाँ अगर इसमें काट लोगे तो फाइनली मुझे मैक्सिमम स्पीड की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा नहीं मुड़ सकते। तो सवाल तो एक लाइन का था, पर फिजिक्स में सवाल का मतलब नहीं है यार, ठीक है। मतलब ये है कि आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हो कि नहीं समझते, विजुअलाइज करते हो नहीं करते। कई बार देखो वीडियो, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।